सोलन में चिट्टा यानी हीरोइन युवाओं को नशे की ऐसी दलदल में धकेलती जा रहा है, शायद वहां से वापस आना युवाओं के लिए नामुमकिन सा हो रहा है। आज शिमला में एक युवक इसी चिट्टे का शिकार हुआ, लेकिन ना जाने क्यों युवा फिर भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं। नशे के सौदागर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अपना शिकार बना रहे हैं। आज भी सोलन पुलिस के हत्थे एक युवक चढ़ा जो निजी विश्वविद्यालय के समीप संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। शक के आधार पर युवक की जांच की गई तो उसके पास से चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस अब पकड़े गए युवक से आवश्यक पूछताछ कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक को निजी विश्वविद्यालय के वार्डन ने उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है जो उनके विश्वविद्यालय में घूम रहा था, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से सफेद पाउडर मिला है। तो उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि युवक के पास जो सफेद पाउडर था 6.94 चिट्टा है। यह चिट्टा युवक के पास कैसे पहुंचा और यह युवक निजी विश्वविद्यालय में क्या कर रहा था, इस बारे में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट पोस्टेड है मिस्टर प्रवीण कुमार। उन्होंने शिकायत करी थी थाने में कि एक लड़का हॉस्टल के बाहर गैलरी में घूमता हुआ उनको मिला और उसको जब हॉस्टल के कर्मचारियों की मदद से उन्होंने डिटेन किया और उसकी तलाशी ली तो उसके पास कुछ पाउडर नुमा पदार्थ पाया गया और इस पे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उस व्यक्ति को डिटेन करके पुलिस की टीम वहां पे गई तो ये पाया गया कि ये जो पदार्थ व्हाइट पाउडर टाइप मटेरियल है ये हेरोइन है और इसकी क्वांटिटी जो थी वो 6.94 ग्राम है। इसमें फर्दरेंस में पुलिस ने 21 NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो लड़का है इसका नाम गौरव ठाकुर है और ये बेसिकली कुमारसेन का रहने वाला है और चंडीगढ़ में कहीं ये काम करता है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है।